वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अठपो दी अद्धी रात तो बाद सतगुरु कलगीधर जी तिन्ना सिंघां समेत गढ़ी तो बाहर निकल आए। मैदान विच लाशां दे ढेर लगे हुए सी। इस दिन असमान ते बदल भी गरज रहा है, कदे कदे असमानी बिजली भी चमकदी सी। सतगुरु जी ने सिंघां नूं कहा कि असी वैरी नूं वंगार पाउण लगे हां, तुसी सारे सावधान हो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उच्ची आवाज विच हथां नाल ताड़ी मार के कहा कि हिंद दा पीर चलिया है, सिखां दा गुरु जा रहा है। ख्वाजा महमूद अली नूं ललकार के कहा, जे किसे विच हिम्मत है तां फड़ लो। इह सुणदिआं ही मुगल अन्ने वाह नठ उठे, जिहड़ा हथियार हथ आया हथी फड़ अपने ही पार बुला दिते। मशालची मशालां लै गुरु जी वल रोशनी लै के दौड़े। पातशाह जी ने इन्हां ते अजिहा निशाना साध्या कि इन्हां दी अपनी जीवन जोत ही सदा लई बुझ गई। मशालां थल्ले डिग बुझ गईयां, सारे पासे हनेरा पसर गया। मशालां बुझण नाल किसे नूं कुछ पता ना लगा, वैरी आपस विच कट वढ कर लगे। गढ़ी विचले सिंह नगारा वजा जयकारे छड्डदे रहे। इस हफड़ा दफड़ी विच शाही फौज हवेली वल हो तुरी। गढ़ी विचले सिंघां विच बहुत जबरदस्त मुकाबला होया। भाई संगत सिंह जी विच बेमिसाल वीरता आ गई। उन्हां दे सीस ते पंथ दे वाली दी कलगी सी, चोला भी चौजी प्रीतम दा पहनिया होया सी। इस सूरमे ने बहुत भारी वीरता दिखाई, अनेकां वैरियां नूं नरकां दे रस्ते तोर के आप भी शहीदां दी कतार विच जा रले। सारे सिंह शहीदी जाम पी गए। वैरी भाई संगत सिंह जी दा सीस उतार के जशन मनाउन लगा कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मार लिया है। गुरु जी दा सीस जान शाही फौज विच देखण दी भीड़ लगी हुई। ओह देखना चाहुंदे सी कि ओह किहो जिहा सिर है जिहड़ा ताकतवर बादशाह औरंगजेब दे अग्गे वी नहीं चुकिया, जिसने 10 लख फौज दे सामने ईण नहीं मन्नी। पहाड़ी राजे ते मुगल जशन मना रहे सी, उसनूं इह अपनी बहुत वड्डी प्राप्ति समझदे सी। सवेर हुंदिया ही इन्हां दी सारी खुशी गम विच बदल गई, जदों इन्हां नूं पता लगा कि इह सिर गुरु दा नहीं किसे सिंह दा है। गुरु तां रातों रात गढ़ी चों निकल गया। अपने मरे सिपाही देख इन्हां नूं अपनी हार साफ नजर आई। आपस विच झूठे सच्चे हुंदिया शाही फौज वापस हो तुरी। गिणती दे ही सिपाही रह गए जो अपने मुरदिया नूं वड्डे वड्डे टोए कढ के दफनाउन लगे। वजीर खां नूं चैन ना आया। उसने कई फौजे दस्ते पिंडां विच माछीवाड़े वल गुरु जी नूं लभण लई भेजे ते ढंडोरा पटवाया कि जिहड़ा गुरु जी नूं ते उसदे सिखां नूं पनाह देवेगा जां चमकौर विच मारे सिंघां दीआं लाशां दा संस्कार करेगा, उहनूं सरकार दा बागी जान समेत परिवार सारा कोल्हू विच पीड़िया जावेगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गढ़ी विचों निकलदिआं ही नठ भज विच तिन्नां सिंघां नालों अलग हो गए। पातशाह जी पिंड रायपुर विच दी कुछ देर जंड दे दरख्त थले बैठ के अगे चल पए। आप जी पिंड किड़ी अफगाना झाड़ साहब बहलोलपुर पवात सहजो माजरा विच दी हुंदे होए माछीवाड़े दे जंगल विच जा विराजे। इस जंगल विच ही तिन्ने सिंघां दा गुरु जी नाल मिलाप होया। पंथ दा वाली पुत्तां नूं देश कौम तों वार के खाली हथ झाड़ के माछीवाड़े दे जंगलां विच पूरी अडोलता नाल विचर रहा सी। मुगल हकूमत अपना पूरा जोर ला के भी कलगीधर पातशाह जी नूं सिदक ते सिरड़ तों डुला ना सकी। सतगुरु पातशाह जी दे चेहरे ते रत्ती भर भी उदासी ना आई। अपने रूहानियत बल नूं शक्ति दे रूप च पातशाह जी ने अपने शरीर लई कदे ना वरत्या। आप मुरीद ते अकाल पुरख नूं प्यारा मित्र जान मेरे बाजां वाले प्रीतम दे मुखों इह आवाज माछीवाड़े दे जंगलां विच गूंजी। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पठ खेड़ियां दा रहना। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर दी गढ़ी नूं अठ पोह दी रात नूं छड्डिया सी।